नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे और वहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनके साथ मंच शेयर किया था। वहां पर अमेरिका और अमेरिकी भारतीय वहां पर बड़ी भारी लोग संख्या में वहां एकत्र हुए थे। लेकिन अभी जो खबर आ रही है वो खबर आ रही है पीओके से, जहां पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की खबर आ रही है। अब आप ये सुनकर के हैरान रह जाएंगे कि आखिर पीओके में नरेंद्र दामोदर दास की रैली क्या है, क्या भारत पीओके में साथ है, क्या पीओके भारत में शामिल हो गया है, ये सुनकर हैरान करने वाली ये खबर है। लेकिन साहब मैं जो कह रहा हूं सही कह रहा हूं, और इन सब से जो पाकिस्तान का विदेश मंत्री है मोहम्मद साहर कुरैशी, वो बौखला गया है। उसकी बौखलाहट इसमें देखने की आई है कि आपको इस वीडियो में देखेगा कि प्रधानमंत्री मोदी की पीओके में रैली और उसके बाद बौखलाहट में इमरान खान की श्रीनगर में रैली कराने की मांग करा बैठा है ये विदेश मंत्री वहां का मोहम्मद शाह कुरैशी। ले चलूंगा खबर की तरफ। क्या है पूरी की पूरी खबर? आज पाकिस्तान पर खबर है तो आप कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख दें, क्योंकि आज की ये खबर आप सोचेंगे और देखेंगे उसके बाद सोचेंगे तो आपको कहेंगे कि आखिर ये क्या हुआ, मोदी ने ये कौन सा जादू डाल दिया है कि आज पाकिस्तान खुद पीओके भारत को देने के लिए सौंपने के लिए तैयार हो गया है और खुद हाउडी मोदी जैसा प्रोग्राम क्या ऑर्गेनाइज करा रहा है। तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखिएगा और पीओके में जल्द कुछ बड़ा होने वाला है इसके भी हम आपको भविष्यवाणी कर देते हैं। लिए चलते हैं खबर की तरफ। क्या है पूरी की पूरी खबर? हाउडी मोदी के तर्ज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पीओके में रैली, ये सुनकर जिस प्रकार से खबर ने स्टार्ट की थी आप तो ये आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन साहब ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद पाकिस्तान कह रहा है। जब से हमारे देश के मौसम विभाग ने आईएमए ने जो हमारे यहाँ का मौसम विभाग है उसने गिलगित बलूचिस्तान और मुजफ्फराबाद का जब मौसम जारी करना शुरू किया है तब से पाकिस्तान सहित चीन बौखलाया हुआ है। और उसके बाद आज जो बयान आया है पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह मोहम्मद कुरैशी का, जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान वाले कब्जे कश्मीर यानी पीओके की राजधानी जो है मुजफ्फराबाद में वहां रैली का न्योता दे दिया है। अब आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। लेकिन साहब आगे देखिए पूरी की पूरी कहानी क्या है, तब आपको समझ में आएगा कि आखिर ये कुरैशी का क्या खेल है। कुरैशी जानता है कि मोदी अगर पीओके में रैली करेंगे तो उसी दिन पीओके अपने आप ही भारत में मिल जाएगा और पाकिस्तानी सेना को, पाकिस्तानी आतंकवादियों की वहां की जनता खुद डंडे मार मार कर बाहर निकाल देगी। मैं बता दूं आपको कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद शाह कुरैशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुजफ्फराबाद में न्योता दिया है और गौरतलब है कश्मीर पर दुनिया के मुंह के खाने के बाद बौखलाए पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज करते हुए कहा है कि पीओके में रैली का न्योता दे रहा हूं, साथ ही इमरान खान को श्रीनगर जाने की अनुमति दी जाए। और शाह कुरैशी ने यह भी कहा कि जिसको दुनिया को पता चल जाएगा कि कश्मीर में किस नेता का स्वागत होता है। ये लाइन सुनकर आपको तनिक हंसी तो आई होगी साहब, ये लाइन जहां अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी को हाउडी मोदी प्रोग्राम कर करके अमेरिका बुलाता है और राष्ट्रपति ट्रंप बुलाते हैं कि उनके चुनाव का प्रचार भी कर दीजिए क्योंकि वहां पर लोग मोदी की बात सुन करके चुनाव में ट्रंप को वोट दे देंगे। यहां पर पीओके में जहां पर गिलगित बलूचिस्तान से हमेशा मांग उठती रही है वहां के लोग वैसे भी सताए हुए हैं, तो आपको लगता है जो गिलगित बलूचिस्तान की बात कर रहा है उसको कहीं ना कहीं पीओके मोदी अगर रैली होती है तो मोदी के नारे ही लगेंगे और कुछ न लगने लगेंगे और पीओके में तिरंगा फहराएगा। आगे बढ़ते हैं, ये यही नहीं रुका, आगे बढ़ते हैं। दरअसल पाकिस्तान के विदेश मंत्री पाकिस्तानी मीडिया से बात कर रहा था और कहा कि मैं भारत के प्रधानमंत्री को आखिरी पैगाम है कि आज कश्मीर में आर्टिकल 370 खात्मे का एक साल पूरा हो गया, मैं पाकिस्तान के विदेश मंत्री होने के नाते आपको न्योता देता हूं कि अगर आप
आपकी नीतियों पर, अपनी नीतियों पर भरोसा है तो मुजफ्फराबाद में तस्वीरों के सामने रैली करें और देख लें कि किस तरह आपका स्वागत है होता है। अगर आपको हौसला है तो आप इमरान खान को श्रीनगर जाने दें और देख लें इमरान खान कश्मीर में किस तरह से वहां पर स्वागत होता है। गौरतलब है भारत के एक शीर्ष राजनयिक ने बताया कि कश्मीर के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने के लिए पाकिस्तान कोशिश, चीन द्वारा इस मामले के चर्चा के लिए बुलाई गई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बेनतीजा रहने के बाद एक बार फिर वहां पर नाकाम नजर आती दिख रही। लेकिन इस सबके बीच जो श्रीनगर जाने का न्योता है, इन सब को आप किस नजरिए से देखते हैं? अगर श्रीनगर इमरान खान आते हैं और पाकिस्तान के पीओके मुजफ्फराबाद में पीओके में अगर मोदी जाते हैं तो इस मोहम्मद कुरैशी को नहीं पता है कि भारत के मोदी जिस दिन मुजफ्फराबाद जाएंगे उस दिन तिरंगा फहराएगा और वो तिरंगा खुद पीओके के लोग फहराएंगे, पीओके के लोग स्वागत करेंगे और पूरा का पूरा पाकिस्तान देखेगा और पाकिस्तान के उस दिन चार टुकड़े होंगे और पाकिस्तान के खुद की जनता कहेगी अब हमें ऐसे प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, हमें खुद भारत में शामिल होना है क्योंकि अब गरीबी भुखमरी से हम बहुत लड़ चुके हैं, अब हमें गरीबी और भुखमरी से ज्यादा नहीं लड़ना है क्योंकि हमारे पेट पे कहीं ना कहीं हमारे खुद के हुक्मरानों ने हमारे साथ सौदा करके वो चीन को बेच दिया है कि सीपेक ने ही पूरी तरह से पाकिस्तान को बर्बाद किया है। लेकिन पाकिस्तान है कि आंख पर पट्टी बांधकर चीन के साथ हाथ में हाथ मिलाए कदम ताल कर रहा है। ऐसे में इस कदम ताल का फायदा क्या होगा तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से जो न्योता दिया गया है उसमें अगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे कबूल कर लिया तो साहब वही होगा जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए बुरा ख्वाब होगा और वो ख्वाब पाकिस्तान का बुरा ख्वाब कहीं ना कहीं पूरा हो जाएगा और पीओके वालों का अच्छा सपना 6 दिन पीओके के भी शुरू हो जाएंगे। इस वीडियो को मैं यहाँ पर खत्म करूंगा, अनुरोध करूंगा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा, हर एक फोन तक पहुंचा दीजिए क्योंकि आज ये वीडियो हर एक फोन तक पहुंचना जरूरी है। पाकिस्तान की निकम्मी हरकत का जवाब जिस प्रकार से मोहम्मद कुरैशी ने न्योता दिया है वो किस कॉन्टेक्स्ट में दिया है सभी जानते हैं। उसे लगता है कि कश्मीर में भी अभी भी वहां पर घुसपैठिए हैं, लेकिन साहब हमारे आर्मी ने ठोक ठोक करके उनको सबका सफाया कर दिया। वीडियो खत्म करूंगा, एक बार फिर से आपसे अनुरोध करूंगा इस दिवाली चीन का दिवाला, हम सभी को एक साथ आके भारतीय सेना के साथ होना चाहिए और चीनी सामानों का बहिष्कार करके, चीनी प्रोडक्ट को ना खरीद करके, और व्यापारियों से भी खास अनुरोध है आप भी वहां से व्यापारिक रिश्ते को बंद कर दीजिए। बने रहो के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।